अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप लोगों से मैंने शेयर की थी कि हम लोग जो हैं वन नाइट स्टे करने के लिए लोनावला जाने वाले हैं, तो आज वही है। नाना करते मैं रेडी हो गई और रात में मोबाइल बंद हो गया था, तो मेरी पैकिंग भी रात में ही हो गई थी, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। और मैं क्या लेकर जा रही हूँ और वहाँ पर क्या क्या करना है, क्या लेकर जा रहे हैं हम लोग, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ इसी ब्लॉग में शेयर होगी। तो प्लीज़ ब्लॉग को लास्ट तक देखें। तो यहाँ पर हम लोग ना 8 बजे निकलने वाले थे और 8 बज चुके हैं, कोई निकला नहीं। अभी अहमद रेडी हो चुके थे, तो मैं सोची कि अपने फेस पर थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग कर ली, यानी कि थोड़ा सा मैं मेकअप कर ली। तो यहाँ पर मैं मेकअप कर रही थी और मैंने पैकिंग क्या किया की हूँ कपड़े में। अब वन डे स्टे है, तो सबसे पहले तो एक वेयर कर लिया है मैंने और एक जो है स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले ली है। और दूसरे दिन हम लोग वाटरफॉल जाएंगे, तो वहाँ के लिए एक ली हूँ। उसके बाद ना मैंने एक नाइटी ले ली हूँ ताकि रिटर्न में आने के टाइम हम लोग पहन सके। बच्चों के लिए 5 जोड़ी तो मैंने ली हूँ, 4 तो समझ लें वेयर करने के हिसाब से और एक एक्स्ट्रा। इसी तरह से टॉवल वगैरह और जो भी कंघे वगैरह थे, जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी सारी ले ली हैं। और हाँ, पानी में ज़्यादा खेलने की वजह से कभी कभी ना बॉडी पेन होने लग जाता, तो ये सब के लिए एक पेन किलर लेकर चले। बच्चों की जो है सर्दी खांसी बुखार की दवाई भी अपने साथ हमेशा कैरी कर लेकर ही चले। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग ना अपने बैक रोड पर जाकर नाश्ता वगैरह भी कर लिए हैं, उसके बाद निकले हैं। और निकलते निकलते हम लोगों को कुछ 10 बज गए थे, 8 बजे का बोलकर 10 बजे निकले, क्योंकि बाकी के लोग जो है ना घर से बनाकर मैरिनेट करके ये सारी चीज़ें लेके आ रहे थे। तो कैसे अभी लंच के लिए सारी चीज़ें जो है ना घर से ही बना कर लेके जा रहे हैं। रोटी है, दाल है और पुलाव है, उसके अलावा ग्रेवी है और आलू उसकी मेथी और मटर की सब्जी है। ये सारी चीज़ें जो है लंच के लिए बनाकर ले लिए हैं। और रात के लिए उन लोगों ने मैरिनेट करके चिकन भी ले लिए हैं बारबेक्यू के लिए। तो सारी तैयारी जो है घर से ही कर निकल रहे हैं, वहाँ पर बस जाना है, एंजॉय करना है, खाना पीना है, बस इतना ही है। तो जब भी हम लोग आते हैं ना फूड पंप पर, सारी जो गाड़ियाँ आके रुकती है, जो आगे पीछे होती है, सब साथ में हो जाती है। जिन्हें नाश्ता करना होता है वो नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, फिर साथ में निकलते हैं और फिर आगे ही पीछे पहुँचते हैं, बराबर तो नहीं पहुँचते हैं। ओ माशाल्लाह, अफीफा को देखो। लेला तू आगे तो पूछ रहा है क्या? उसका नंबर भी लिया बेटा, उधर पे अंदर चलो। ये क्या है, बाहर जाने का रास्ता है? चलो बेडरूम देख लेते पहले। आ उसको छोड़ दो ना, अभी नीचे जाने का वापस। दोनों बेडरूम तो सेम ही है, 3 बेडरूम है इसमें। ये सामने वाला बॉयज लोग के लिए, ये
ये वाला विला बॉयज लोग ने अपने लिए सिलेक्ट किए हैं और हम लोगों को बोले हैं देख लेने, अगर ये विला पसंद आता है तो इसमें रुकना या फिर उस सामने वाले में। तो यहाँ पर अभी चेकआउट हुआ है तो पूरा एकदम गंदा है, नीचे क्लीनिंग हो रही है, ऊपर की पूरी बाकी है, तो यहाँ पर जो क्लीन वगैरह हो जाएगा, मगर ये हम लोगों को समझ में नहीं आया। चलो ये एक बालकनी। अच्छा तो दो बेडरूम ऊपर है एक नीचे है, और ऊपर तो क्या है, टेरेस है। मैं दरख दिया होता उसको। चलो नीचे चलो नीचे, ये नीचे डॉल्फिन निकल रही है बाहर। अहमद ऐसे झटके में बैठा तो अंदर चले जाएगा। पहुंचते ही साथ इतनी मस्ती किए पानी में, कूद कूद कर, कूद कूद करके कूदने पर ही अंदर कुछ पानी का वो पाइप था वो लग गया पैर में और पूरी हील जो है ना फट गई। और यहाँ पर किसी को मालूम भी नहीं था, विले वाले को बुलाए तो वो काफ़ी टाइम बाद आया है, 1.25 घंटे बाद फिर लेके गया है। हॉस्पिटल कहीं दूर था तो वहाँ से दवा खाने से फिर टाके वगैरह लगवा कर अभी आए हैं। कुछ तीन मिनट बज रहे हैं और अब जाने हैं हम लोग लंच करने। है जेब में यहाँ पर कोयला जलाने की तैयारी हो रही है अभी चिकन भुनने के लिए। और अभी सब लोग जो है ना अंदर भुट्टे वगैरह खा रहे, और दोपहर के बाद मैंने कुछ शूट नहीं की थी, उसके बाद हम लोग भी पानी वानी में गए थे थोड़ा बहुत, और यहाँ पर फिर चेंज वेंज करके शाम हो गई थी तो फिर भुट्टे वगैरह खा रहे थे, और एक तरफ जो है चिकन की भुनाई चालू है। तो ये सारी चीज़ें जो भुट्टा वगैरह हर एक चीज़, नमक हल्दी मिर्ची जितनी भी चीज़ें जितनी भी खाने पकाने के लिए लगती है वो सारी चीज़ें है ना घर से ही लेकर आए थे, नींबू सारी चीज़ें।
और बस यहाँ पर ना सिर्फ हमें पानी का इंतजाम करना पड़ा, बिस्लेरी लाना पड़ा, बाकी कोई चीजें नहीं खरीदी बड़ी। अब यहाँ पर डिनर हो रहा है, डिनर में खट्टी दाल और राइस है, और जो थोड़े बहुत चिकन जो बच गए थे ना वो सब है, तो यहाँ पर डिनर करके फिर मिलते हैं। जैसी कैमरा चालू करें सब का। क्या है ढोल? हाँ अहमद, अभी मामू जो है इनकी ड्रेसिंग कर रहे हैं, क्योंकि जख्म ताज़ा था ना, तो चल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा था, तो पूरी पट्टी यहाँ भीग गई थी, तो बस चेंज कर रहे हैं।